हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं कलबार परफेक्ट मैच बीबी ब्यूटी बाम का रिव्यू कर रही हूँ एंड ये एसपीएफ 20 के साथ आती है, पैराबेन फ्री है। 29 ग्राम इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी है विच इज़ वेरी गुड एंड इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है सिल्वर कलर की और इसका प्राइस है 599 रुपीज़। 100 वाइट लाइट मैंने शेड लिया है अपने लिए बिकॉज आई एम वीटिश स्किन टोन टाइप। एंड बात करूँ बीबी क्रीम की तो कुछ कुछ यू नो आपको इसको देख करके नायका की बीबी क्रीम की पैकेजिंग याद आ रही होगी। एंड ये जो बीबी क्रीम है स्पेशली मैं बता दूँ ये है एक्सट्रीम ऑयली स्किन के लिए एकदम बेस्ट। और क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन और इस वक्त मैंने यही लगाई हुई है, नो कॉम्पैक्ट, सो बहुत ही मीडियम सी कवरेज देती है। अगर आप रीअप्लाई करोगे तो थोड़ा केकी हो जाएगा बिकॉज इसका फॉर्मूला हो जाता है मैट में कन्वर्ट। बात करती हूँ इस प्रोडक्ट की, क्योंकि इसे मैं यूज़ कर रही हूँ विद इन वन वीक से रेगुलरली। एंड चलिए इसके बारे में बता देते हैं। दिस इज़ द बीबी क्रीम और मेकअप एंड स्किन केयर कम टुगेदर टू क्रिएट अ परफेक्ट मैच। दिस मल्टी बेनिफिट ब्यूटी बाम हाइड्रेट्स, सूद्स, प्रोटेक्ट एंड करेक्ट्स स्किन विद शीयर कवरेज इन वन एफर्टलेस स्टेप, इनहेंस्ड विद अ ब्लेंड ऑफ पोटेंट बॉटनिकल्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट। द फ्रेश एंड एयरी फॉर्मूला बूस्ट ल्यूमिनसिटी एंड डिमिनिशेज the signs of aging and repairs uneven skin tone while protecting it with the broad spectrum sun protection। एंड इसके इंग्रेडिएंट जैसे कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी है, सनफ्लावर है, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है, अश्वगंधा है, जोजोबा ऑयल है, फ्रेग्रेंस है एंड इसमें है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, साइटिल एल्कोहल, सिट्रिक एसिड, वाटर, सिमुलसल 165 LLP, सेटिल पाल्मिटेट एंड एवोबेंजोन, जिंक है इसमें, जिंक ऑक्सीडाइज, OMC, ऑक्टिल सेलिसाइलेट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, EDTA है, टाइनोजॉर्ब M है, ट्राइथेनोलेमाइन है, ड्राई फ्लो PC है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए इसके अंदर है। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2.5 ईयर, सो विच इज़ वेरी गुड। बट बात करूँ इस बीबी क्रीम की तो यू नो विंटर्स के लिए मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। वैसे तो कहीं ना कहीं मुझे आउटलेट पे जब मैंने ये परचेज की थी तो मुझे बोला था कि ये ऑल स्किन टाइप है, बट नो, मुझे ये ऑल स्किन टाइप नहीं लगी दोस्तों। ट्रूली दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन टाइप डेफिनेटली। सो चलिए इसका फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द बीबी क्रीम एंड इसका जो यू नो ट्यूब पैकेजिंग है वो ट्रैवल फ्रेंडली है विच इज़ वेरी गुड। आप इसे ट्विस्ट करके ओपन कर सकते हैं एंड ट्विस्ट करके ही बंद कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो एंड आप इसे मसाज करके भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपके फेस पर ब्लैमिशेज हैं तो ये मीडियम कवरेज देगा, यानी कि ये कवर करती है। और आप चाहें तो यू नो कलबार का या फिर कोई भी आपके पास अगर कॉम्पैक्ट है उससे आप बहुत ही लाइट सेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रीजेस जो है वो आईज के नीचे आ जाती हैं बीबीसीसी क्रीम लगाने पर, यानी कि लाइन पड़ जाती हैं तो वो नहीं आएंगी और आप इसे आराम से वियर कर पाएंगे कॉम्पैक्ट के साथ में। सो यू कैन सी द टेक्स्चर एंड थोड़ा ज़्यादा मैंने आपको इसलिए निकाल करके दिखाया क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ये दो कोट है कहीं ना कहीं और यहाँ से यहाँ में कितना फर्क है। तो आप हो सके तो एक ही कोट लगाइएगा जैसे मैंने लगाया है, जिससे कि एकदम यू नो फ्लॉलेस लुक लगे लेकिन कहीं भी आपको पैचीनेस, ड्राइनेस, रफनेस ना लगे। और इसको अप्लाई करने से पहले
भले ही ऑयली स्किन हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वाटर बेस्ड जेल मॉइस्चराइजर जैसे कि न्यूट्रोजीना हाइड्रोजेल हाइड्रो वाटर जेल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई आप जेल क्रीम यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइजर के लिए, एंड उसके बाद ही आप बीबी क्रीम अप्लाई कीजिएगा ये कलबार की। और एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत टाइम से बहुत सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि मैं बीबी क्रीम का रिव्यू करूँ, एंड तो मैं ना यही बोलूंगी। बात करूँ स्किन टाइप की तो इसमें आते हैं 3 शेड, जी हाँ बहुत ज्यादा शेड्स भी नहीं आते हैं, तो क्योंकि ये बीबी क्रीम है इसलिए तीनों शेड जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कलर ही होते हैं। जैसे एक है येलो स्किन टोन के लिए विच इज दिस वन, एंड द शेड इज वाइट लाइट, एंड पिंक स्किन टोन के लिए 01 मतलब एक नंबर आता है एकदम फेयर स्किन टोन के लिए, और एक आता है डार्क स्किन टोन के लिए, बस 3 ही शेड आते हैं। तो ये जो 100 है दिस इज द बेस्ट शेड फॉर एवरी इंडियन स्किन टोन, जी हाँ, और मेरा ये पर्सनली मानना है। और क्योंकि इंडियन स्किन टोन फेयर मीडियम वीटेश कुछ कुछ मिलती जुलती सी ही होती है, अगर बहुत डस्की है थोड़ा सा डार्क है कॉम्प्लेक्शन तो आप शेड नंबर 3 ले सकते हो, अदरवाइज इट्स परफेक्ट। वरना बहुत ज़्यादा सफ़ेदी की झलकार भी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है, भले ही वो बीबी क्रीम हो सीसी क्रीम हो या फाउंडेशन हो कुछ भी हो। तो दोस्तों मेरा यू नो इससे एक्सपीरियंस ये रहा स्टेइंग पावर का कि हाँ ये 5-6 घंटे तक बहुत अच्छे से स्टे करती है, उसके बाद लिटिल बिट इसका जो इफेक्ट है फेस पर वो लाइट होने लगता है, और ऑल डे तो नहीं बट हाँ ये अगर आप 10 o'clock पर मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर बाथ तो ये 4-5 बजे तक टिकेगी फेस पर और ऑयल को कंट्रोल करेगी। ऐसा इसमें लिखा नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि मैं बता रही हूँ मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं बोल रही हूँ, और क्योंकि टोटली मैट में कन्वर्ट हो जाती है बट पैचीनेस नहीं है, हाइड्रेट भी कर रही है, सो इट्स नाइस, आई लाइक इट बट नॉट वेरी मच, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर अनदर बीबी और सीसी क्रीम से मैं कंपेयर करूंगी तो ही बता पाऊंगी कि कौन सी बेस्ट है सारी में से, बट मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस ओके है। और क्योंकि ये पैराबिन फ्री है, आजकल तो जिसको देखो उसको पैराबिन फ्री प्रोडक्ट चाहिए, SPF भी होना चाहिए, हर्बल भी होना चाहिए, क्रुएल्टी फ्री भी होना चाहिए, सो दिस इज द बीबी क्रीम जो कि आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये ना लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, 600 रुपए की है, जी हाँ, अगर आपको ये कहीं ऑनलाइन साइट पर मिल रही है सस्ती तो आप ले लीजिए, वरना आप मैं नहीं रेकमेंड करूंगी अभी क्योंकि 600 रुपए की बीबी क्रीम बहुत ज्यादा हो गया। आप चाहें तो 300 तक भी ठीक रहता है, 350 भी ठीक ही है, लेकिन 600 रुपए की बीबी क्रीम इतने में तो बहुत अच्छा फाउंडेशन आ जाता है। सो दोस्तों मैंने ले ली है ये, खरीद लिया है, यूज करूंगी, बट यू नो मैं अभी इसे रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि उतना मुझे उतना प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो भी ओ माय गॉड टाइप नहीं लगी, इस वजह से आप इसे यू नो अगर बजट है तो ही लीजिए, या आपको बहुत अच्छी लगी है या आप यूज कर रहे हो रेगुलरली देन इट्स ओके, बट नहीं कोई और बीबी ट्राई कर लीजिए या फिर इसके कंपैरिजन वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा एंड माय अनदर चैनल रारा लाइफस्टाइल।